हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग सुनबहरी हो गया है तो पहले आप कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने की कोशिश करें, उसके बाद ही यौन संबंध बनाने की कोशिश करें अथवा शादी विवाह करने के बारे में सोचें। कई लोग इसको सिंपल और साधारण समझता है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग रहने के बाद भी, जानकारी होने के बाद भी शादी कर लेते हैं, जबकि इस बीमारी में आपको यौन संबंध बनाना मना रहता है। ऐसे भी जब लेप्रोसी का शिकायत हो जाता है आपको, तो आपका शरीर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा थकान लगने लगता है और जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखने लगते हैं और आपको कई शारीरिक रूप से विकृति भी आ जाता है, जिससे कि आपको जो उत्साह चाहिए जीवन में, जो फिजिकल रिएक्शन बनाने के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत होती है उतना आपको हो नहीं पाता है। और ये बीमारी, यौन संबंध तो अलग बात है, इस बीमारी के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी कि बाल बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत आपको आ सकता है। तो सुनबहरी जिसे कहते हैं, वास्तव में उसका सुनबहरी यदि आप कहते हैं तो सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तविक नाम यानी रियल नाम कुष्ठ रोग ही होता है। अब ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में आपको यही दवा दिया जाता है, एमडीटी। एमडीटी का आप नाम सुने होंगे या बहुत लोग तो इसका यूज कर रहे हैं। तो कुष्ठ रोग में जो एमडीटी का प्रयोग कर रहे हैं और जो इस दवा से संतुष्ट हैं, तो उनके लिए हम वीडियो नहीं लाते हैं। जो दवा से जिनको संतुष्टि है कि उनका बीमारी कोई ठीक कर देगा, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए मैं वीडियो नहीं लाता हूं। बल्कि जो एमडीटी से संतुष्ट नहीं है उन्हीं के लिए मैं वीडियो लाता हूं, यानी विकल्प के रूप में। यदि एमडीटी दवा से यदि बीमारी आपका ठीक ना हो तब आप क्या करेंगे? तो यौन क्षमता तो कम होता ही इस बीमारी में, और ये मेमोरी पावर ये भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है, यानी स्मरण शक्ति भी आपका बहुत कमज़ोर होता है और आप पागल की तरह रहने लगेंगे। उमेश जी, एक दिल्ली के मरीज हैं उमेश जी, वो पागल की तरह रहने लगे थे, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। आप सब बिल्कुल ठीक है, तो ट्रीटमेंट के बाद में ठीक हो जाता है। आपका बॉडी पहले से ही कमज़ोर है और एमडीटी दवा लेने के बाद में और कमजोरी बढ़ जाता है और इसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट को भी झेलना पड़ता है। आप इसको जब यूज कर रहे होंगे तो लिखित रूप में भी आपको मिला होगा कि एमडीटी प्रयोग के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है और चकते चकते निकल सकता है और आँख पीला हो जाना, पीलिया जॉन्डिस भी होने का खतरा रहता है। तो पहले आप इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें जड़ से, उसके बाद ही आप यदि शादी करें, यौन संबंध बनाएं, तो आपके लिए बेटर है। टीबी से ऊपर की बीमारी है, टीबी की ऊपर की बीमारी है, तो टीबी में तो आपको मना रहता है यौन संबंध बनाना, और उसके ऊपर का बीमारी है, आप सोच सकते हैं। तो शादी विवाह घबरा कर न करें, कहीं आपके घर में द्वेष कलश न शुरू हो जाए, तो थोड़ा समय लगे। आप बेहतरीन ढंग से, एक जिम्मेवारी भरा परिवार होता है चलाने के लिए, काफ़ी आपको शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत होती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तब आपका परिवार चल पाएगा। तो आपका बीमारी जब जड़ से समाप्त हो जाए तभी शादी करें तो बेटर रहेगा। कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें मारिए, केहनी पर मार करके देखेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा। आप मारिए अपना, हमारा चैनल तो देख रहे हैं, साथ साथ में चेक करते जाइए कुष्ठ रोग है कि नहीं। आपको केहनी पर मार कर देखेंगे तो आपको
झंझनाहट मालूम चलेगा, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और क्या लक्षण इसमें हो सकता है, यदि आपका केस जहाँ पर है ये कुष्ठ रोग, यदि यहाँ पर चमड़ा यहाँ का सुन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ का केस सारा झड़ने लगता है, क्या होगा, केस सारा झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, क्या होगा, केस यहाँ का झड़ जाएगा, पसीना निकलना भी बंद हो जाएगा। तो आगे पढ़े और बीमारी बढ़ेगा तो क्या करेगा, कुष्ठ रोग का पहचान क्या है, चमड़ा का मोटा होना, चमड़ा का क्या होना, मोटा हो जाना। देखिए इसमें एक फोटो आपको आप देख सकते हैं, इसमें चमड़ा किस तरह से मोटा हो रहा है और प्लस यहाँ सूजन भी दिखाई देता है, सूजन भी दिखाई देता है। और कई लोग MDT दवा लेते रहते हैं, MDT दवा लेते रहते हैं, तो MDT दवा लेते रहते हैं और इसका परिणाम नहीं जानते हैं, इसका परिणाम नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो कुष्ठ रोग जो है आगे जब बढ़ेगा तो कितने खतरनाक रूप में आ सकता है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं चलता है। ये कुष्ठ रोग यदि अपने पर आ गया तो इतना ज़्यादा परेशान करता है, दिक्कत करता है, जिससे रोगी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो ये प्यारे प्यारे जो नयन देख रहे हैं आँख, जो पूरा दुनिया को इसे देखा जाता है और आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है, इस बीमारी के कारण यानी कुष्ठ रोग के कारण आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद का भी आपको शिकायत इसमें होता है, इस बीमारी के कारण भी होता है और MDT के साइड इफेक्ट के कारण भी आँख का रोशनी कम हो जाता है। इस बीमारी का, इस दवा का साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी कम हो जाएगा और आपको लूज मोशन भी आपको देखने में आता है। जॉन्डिस हो जाने पर इस दवा को तुरंत डॉक्टर बंद कर देते हैं, आगे पर आपको देंगे ही नहीं। कुष्ठ रोग के कारण आपका जो त्वचा है ये क्या होगा, मोटा होने लगेगा, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह ये मोटा होने लगेगा। जब चमड़ा मोटा होने लगे तो उसमें कलम, पीन, अल्पीन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। सुनप्पन के आधार पर कुछ भी डॉक्टर नहीं मिलाएंगे, बहुत जगह पर तो जांच होता है, कई डॉक्टर जांच करके तब आपको दवा देते हैं। MDT स्किन स्मियर टेस्ट का जांच करते हैं, एलिसा फोलेप्रोसी का जांच करते हैं, लेकिन बहुत डॉक्टर तो सुन है चमड़ा मोटा है तो बस कन्फर्म है, वो आपको जांच भी नहीं करेंगे, सीधे MDT आपको देना शुरू करेंगे। तो कई बार तो MDT उन लोगों कुछ दिन मिलने के बाद में किसी कारण से सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पाता है, तो कई लोग सोचते हैं कि कोर्स वो खा लेते मिल जाता तो उनका बीमारी समाप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ये दवा का कंप्लीट कोर्स करने के बाद भी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। MDT दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा सुन था और MDT दवा लेने के बाद भी सुन बना ही रहता है, तो फिर आपका बीमारी जड़ मूल से समाप्त कैसे हुआ। बहुत सारे डॉक्टर से पूछेंगे तो ये 6 महीना 1 साल का इसका कोर्स कराया जाता है, लेकिन 6 महीना साल भर में जब ठीक नहीं होता है तो कई मरीज क्या करते हैं कि इसको अब 1 साल में ठीक नहीं है तो 2 साल खा लो, 2 साल में ठीक नहीं है तो 3 साल खा लो, 3 साल में ठीक नहीं है तो 4 साल खा लो। समझते हैं कि फ्री का मिलता है तो मंगनी के बैल का कौन दांत देखने जाए, इसके खतरनाक परिणाम नहीं जानते हैं। अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा आपको सुनबरी कुष्ठ रोग का दवा देंगे ही नहीं। अब आइए इसमें फोटो के माध्यम से समझाएंगे आपको कि किस तरह से ये अपना नुकसान पहुंचाता है त्वचा को। इसमें आपको एक से बढ़कर आपको फिगर हम दिखाएंगे। अब इसमें उंगली को देखिए कैसे टेढ़ा कर रहा है और हाथ में
ये कितना गड्ढा गड्ढा गैप गैप बना रहा है, गड्ढा गड्ढा आपको आना शुरू हो जाएगा इसमें। और आप देखिए कितने तरह से आपको प्रभावित कर सकता है कुष्ठ रोग। आप देखिए नाखून, नाखून जो है स्किन, नाखून देखिए किस तरह से मोटा और खराब होना शुरू हो जाता है। नाखून धीरे धीरे आपका झड़ जाएगा और बिना नाखून का कैसा आदमी लगेगा। महिलाएं सब हैं इसको नेल पॉलिश करके कितना अच्छा से बनाती रंगती है और आपको सुंदरता का दबदबा परिवार परिवार पर दिखता है। जो औरतें सुंदर होती हैं उनका इज्जत घर में ज़्यादा होता है बनिस्पत जो कम सुंदर रहते हैं। इसलिए यदि आप लेप्रोसी का मरीज हो गए हैं, हम बार बार कहते हैं तो हीन भावना से ग्रसित मत होखिए, जितना में रहिए उतना में थोड़ा स्मार्ट दिखने का कोशिश करें। और यदि लेप्रोसी के मरीज आप हो गए हैं तो थोड़ा सा चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले, इससे सुंदरता थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। व्हाइट कपड़ा पहने, यदि हाथ का ये उंगली उंगली थोड़ा सा डैमेज हो गया है तो इसमें दस्ताना का प्रयोग कर ले, अच्छे जूता का प्रयोग करें, साफ सुथरा दिखे और आपका कुछ दिन उपचार चलेगा तो बीमारी तो ठीक हो जाएगा ही। तो इसलिए ये अपने स्मार्टनेस को बनाए रखिए हमेशा अंदर में, दिल में यदि अरमान होता है एक एक ठीक होने का आशा रहता है तो मरीज ठीक हो जाते हैं। कई मरीज हमने ऐसा भी जिंदगी में देखा है जिसको हमने कह दिया कि ये इस बीमारी का हमारे पास उपचार नहीं है, तो वो मरीज क्या कि जबरदस्ती दवा खा करके तब ठीक हुए हैं। एक सर में गिल्टी था एक बच्चे का, वो इतने कुत्ते के दांत की तरह इसमें हड्डी भी बढ़ गया था, उसमें से मांस भी चढ़ गया था। एक डॉक्टर बोले थे कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, बच्चा का उम्र 6-7 साल का था, उसमें भी डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहे थे। आज से 2001 की बात है कि खोपड़ी खोलेंगे उसमें भी बच्चा आपका बचेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसको हमने मना कर दिया था इलाज कराने से करने से, लेकिन वो ज़बरदस्ती दवा खा करके, सर कुछ भी दवा दे दीजिए ठीक हो या ना उसे मतलब नहीं है, हमने उसको दवा दे दिया और नाम पता भी नहीं लिखा उसका, वो हड्डी बढ़ने का नाम पता भी हम नहीं लिखे, इसलिए कि ठीक होगा ही नहीं तो नाम पता हम क्यों लिखे। दवा का भी नाम हम रजिस्टर में मेंटेन नहीं किए। और 3 महीने के बाद फिर आ गया तो हम देखे कि फिर भाई आ गए हमारा मना करने के बाद भी, तो हम बोला कि रोगी बोले कि आप थोड़ा सर चेक करिए, तो हम चेक किए तो उतना ही बीमारी था। तो रोगी बोले कि नहीं सर, बीमारी उतना ही है, पहले हार्ड था अब ये मुलायम हुआ है। तो हम कहे ठीक है आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप लीजिए दवा को, हमको तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। फिर हमने 3 महीना का दवा दिया। 6ठे महीने में जब मरीज आए, रोगी जब आया, छोटा बाबू था 7 साल का, तो उस बाबू का इलाज किए और पूरी तरह से ठीक हो गए। और 11 महीने तक दवा चला। वो कुत्ते के दांत के जो खोपड़ी का जो हड्डी बढ़ गया था मत, उससे केस भी ठीक हो गया। तो हमने पूछा मरीज से कि इसका क्या रहस्य है, इस बालक का, इस बाबू का बीमारी क्यों ठीक हुआ। हम जबकि मेरा हिम्मत काम नहीं करता था कि उस बीमारी को हम देखें। तो उन्होंने कहा कि सर हमें गिल्टी था, उसके जो गार्जियन थे उसके पिताजी, उसको गर्दन पर यहाँ पर गिल्टी था। और यहाँ एक छपरा के जाने माने राम इकबाल प्रसाद सर्जन जी हैं, वो ऑपरेशन भी किए थे 5 बार, लेकिन वो यहाँ ऑपरेशन होता था यहाँ निकल जाता था, यहाँ ऑपरेशन यहाँ निकल जाता था, वो गिल्टी ठीक होता नहीं था। तब हमने उस समय 2 माह का हमने दवा दिया था और उनकी गिल्टी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसी से उस गार्जियन को आशा था कि छोटा मेरा गिल्टी था तो 5 बार ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, तो इतना जो झंझटिया है बीमारी ठीक हो गया तो मेरे बच्चे का तो ये हड्डी थोड़ा समय लगेगा, 2-3 साल ठीक तो ज़रूर होगा, 11 महीने में ठीक हो गया। तो ये होता है रोगी का कॉन्फिडेंस। तो हमारे न चाहने के बाद में हम देखना मरीज को नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा बीमारी पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा देख कर ही, लेकिन
वो मरीज ठीक हो गया रोगी को विश्वास की वजह से, तो कई बार एक्स्ट्रा रोगी को भी फेथ आता है तो कई असाध असाध बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो धैर्य के साथ अपना रहिए और आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। कई लोग इसमें इस बीमारी में और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर सुन रहता है वहाँ पर बड़ा गहरा घाव ये बना लेता है और घाव ठीक होने का जल्दी नाम नहीं लेता है। कई लोग साधारण मलहम लगाना शुरू कर देते हैं, उससे कभी ठीक नहीं होगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसमें बहुत लंबा यानी बहुत बढ़िया अनुभव होगा तभी जा कर के ये बीमारी ठीक हो पाता है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि कहीं पर भी सोचते हैं कि दिखा लेंगे, कहीं पर भी दिखा लेंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर दवा लिख दीजिए, अरे दवा लिखने से ये बीमारी ठीक होगा जी, इसका ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, अंडर में आपका इलाज चलता है लंबे समय तक। कई लोगों को इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आता है। हाथ पांव का उंगली में बीमारी में धीरे धीरे ये क्या होता है, टेढ़ा भी होने लगेगा, हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगता है, हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगेगा, पूरे शरीर में दाने दाने आ सकते हैं और दाने के साथ में बुखार भी आ जाता है, बुखार भी काफ़ी खतरनाक है, चकते चकते लाल लाल पूरे शरीर में चकते चकते निकलते हैं, तो चमड़ा सुन हो जाए तो आप समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण है। कहीं पर का भी चमड़ा सुन हो जाए, वहाँ का चमड़ा रंग बदल रहा है, कलर बदल रहा है, तो वहाँ कलम हला करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं है। तो कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है और सुई चुभने जैसा मालूम होता है। यदि चेहरे पर कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, बैठा सकता है, कान का जो ये कान जो है ये मोटा हो सकता है, कान आपका ये मोटा हो जाएगा, MDT कारण कान ये मोटा हो जाएगा और गाल का त्वचा जो है ये भी धीरे धीरे मोटा हो जाता है चेहरे पर आ जाएगा तो, और केस भी ये सर केस का बाल भी झड़ सकता है। और एरी, आप एरी देखिए, एरी बहुत लोग का फटा रहता है और देखिए कितना कमजोर कितना बदसूरत आपका त्वचा स्किन को कर देता है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी हो सकता है। और माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण यदि आपका अच्छा से लालन पालन जिसे कहा जाता है, काफ़ी गरीबी था, ज़्यादातर गरीब लोगों को ही बीमारी ये होता है, इसलिए MDT से ज़्यादा दुनिया में कोई रिसर्च किया ही नहीं, आगे का उस पर कोई सोचा ही नहीं। कहीं भी जाइएगा, सरकार छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में या अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा करके आपको MDT ही दिया जाएगा, चाहे बीमारी ठीक हो या ना हो। तो जिनका ठीक नहीं होता है, MDT से संतुष्ट नहीं है, हम उन्हीं लोगों के लिए रिसर्च करते रहते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह डॉक्टर थे और उनसे हमने इलाज का ये तरीका सीखा। ऐसे ही हम इलाज का दवा नहीं कर देते हैं, ये मेरा 3 पुश्तों से चला आ रहा है और 100 साल से बेसी का हमारे पास पुराना पुस्तक पड़ा हुआ है। हमसे उम्र में ढाई गुना है। ये पुस्तक को देखें, ये कितना पुराना है, 100 साल से ज़्यादा का उम्र है और काफ़ी इज्जत से मैं इसको रखता हूँ, काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं। ये रिसर्च कराने में बहुत हमें मदद करता है। तो ये हमारे पिताजी पढ़ते थे और उनका इस पर ये पुस्तक सारे के सारे वो पढ़ गए थे।
इस पुस्तक को। अब देखिए वहाँ पर उनका चिन्ह भी, ये चिन्ह लगा हुआ है, उस सारे उन्हीं का चिन्ह लगाया हुआ है, और कुछ इसमें हैंडराइटिंग भी रहता है जो कि पीछे साइड में इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए दीमक भी खा गया है। तो इस सब पुस्तक को हम पढ़े हैं, वो लोग भी, हमारे पूर्वज भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी अभी आपको सतीश जी नवादा का बीमारी ठीक हुआ, साउंड रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। इसमें बहुत सारे कुष्ठ रोगी कोई भी अपना फोटो पिक्चर वीडियो शेयर नहीं करता यूट्यूब चैनल पर, इसलिए हम लाइव में उन लोगों को नहीं ला पाते हैं, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है समय रहते। कितना लोग जानते हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, इंतजार करते रहते, ज़्यादा इंतजार करेंगे तो जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ धीरे धीरे घाव बनने का खतरा रहता है। यदि आपका कुष्ठ रोग है तो खान पान पर आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए, खाने पीने का आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा आप सेहत के लिए, थोड़ा आपका डोले सोले है, थोड़ा भुजाओं में दम आए, मजबूती आए, इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और फल फ्रूट्स आप लीजिए, जिसमें विटामिन सी मिले, और आंवले का सेवन आप कीजिए, आपके लिए विशेष फायदा करेगा। काजू किशमिश तो नियमित खाइए, खाने पीने पर जितना आप फोकस कर सके। कई लोग पैसा अच्छा खासा होने के बाद भी काफ़ी कंजूस मकुचूस, जिसको कहते हैं कंजर, तो रहते हैं लोग, और अपने पर खर्च नहीं करता है। प्रथम सुख निरोगी काया, यदि शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो कोई आपका हितई संबंधी आपसे भेंट करने तक नहीं आएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, तो सब लोग आपको खोजेगा समाज में, आपके पति परिवार सब लोग खोजेगा। बीमार पड़ जाएंगे तो कोई जल्दी आने वाला नहीं है। शरीर को हमेशा निरोग रखिए, कंजूसी मत करिए, खाने पीने जितना इसको आवश्यकता है वो आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा शरीर आपका ये कमजोर पड़ करके बीमार पड़ जाएगा। तो कुष्ठ रोग के रोगी को और कई अतिरिक्त आपको दिक्कत होता है, स्वप्न दोष, नाइट फॉल की बीमारी, किडनी में स्टोन, कहीं कहीं उन लोगों को आपको गांठ गिल्टी भी देखा गया है बनते हुए। तो इसमें इसको कई जगह थेथरपन के नाम से भी जाना जाता है। तो MDT दवा से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता, अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो खुद बताएगा लोग कि कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा। इस बीमारी में कोई भी साबुन न लगाएं, सोच समझ कर लगाएं, गलत साबुन के इस्तेमाल के कारण भी आपको ये बीमारी हो सकता है। तो साबुन आपको इस पास उस पास जो दिखे वही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए, बहुत सारा साबुन आपको है जो इस पार से उस पार दिखे वो साबुन आपके लिए बेस्ट है। और कई लोग डिटॉल लगाते हैं, हम मना करते हैं बार बार कि डिटॉल इस बीमारी में ना करें, फिर भी लोग पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है। तो अभी ये देख लीजिए, मार्केट में बहुत तरह का साबुन आता है, सोच समझ करके लेनी चाहिए, सोच समझ करके आपको लेनी चाहिए जो इस पार से उस पार आपको दिखे। और कई लोगों को दंतमंजन जो है, कोलगेट है, टूथ पाउडर है, दांत में यदि पैरिया आ गया है, दांत साफ नहीं है, बदबू आ रहा है, इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी का कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरा शरीर आपका काला हो गया है MDT प्रयोग कारण अथवा बीमारी के कारण, तभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस पर विशेष सलाह हमारा लेना चाहते हैं तो हमारे
नंबर को नोट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद में, वीडियो कॉल, यानी आप घर बैठे भी उपचार करा सकते हैं, डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नजदीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आइए, नहीं तो घर बैठे दवा अपना मंगा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं, 9801757533, यानी 9807755533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से, दूसरा नंबर है 7070003342, यानी 7070003342 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी ज्यादा परेशान न हो, कई रोगियों का शादी विवाह भी नहीं हो पाता है इस बीमारी के कारण, ठीक हो जाएगा। तो मनीषा का ठीक हो गया, लेप्रोसी का इलाज करने के बाद ठीक हुआ और बिल्कुल फिट है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर में आपको उपचार करना बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आपको बहुत सारे नस को डैमेज कर देता है। कई लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन कराना शुरू कर देते हैं, हाथ पांव की उंगली, इलाज जब चलेगा तो इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, जो धीरे 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 सीधा हो जाएगा और नाखून भी नए नए आने लगते हैं और यहाँ पर मांस का जो कमी हो गया हाथ में धीरे धीरे बढ़ेगा। इस बहुत सारे लोगों को 8 से 9 महीना में ये बीमारी ठीक होता है, लेकिन बहुत कम लोगों का बीमारी 8 से 9 महीने में ठीक हो पाता है, इसके ऊपर लग जाता है बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है कि उनको बीमारी हुआ है। अब एक और आपको सुखेंद्रा जी हैं, उनको तो उनका इलाज चला MDT बहुत दिन तक और उनको भयानक दर्द होता था, इतना दर्द कि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज गेहूँ का कटनी करते हैं, धान का रुपाई करते हैं और हमारे ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक है। उनके भी साउंड रिकॉर्ड करके हमने चैनल पर डाला हुआ है, फोटो डालने का परमिशन नहीं मिलता है, कोई रोगी ऐसा करने नहीं देते हैं। तो ऐसे मरीज को जो हम पूरे प्रमाण के साथ आपको बताते हैं, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, चैनल को सपोर्ट करने के कारण आज इंडिया में ही नहीं विदेश में भी चैनल को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने के बाद भी लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये तो कोई कॉमेडी शो नहीं चलता है, जिसको बीमारी होगा वही सब्सक्राइब करेंगे और पता नहीं इतने अच्छा सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों की संख्या ठीक ठाक होनी चाहिए, तो थोड़ा सा कमेंट कम करते हैं, लाइक भी कम आता है। तो 11,000 सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को देखते ही नहीं है, नियमित वीडियो देखनी चाहिए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें कई तरीके का आपको फायदा आता है। इस बीमारी में यदि बीमारी आगे बढ़ जाएगा तो आपको हैंडीकैप, दिव्यांग, विकलांग कर सकता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं तो रोकथाम के लिए ठीक से सुनिएगा, फट से लेकर के दवा शुरू कर दें, उससे नहीं होगा। ये कंट्रोल के लिए, ठीक करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स में बतानी पड़ती है, तब जाकर के इलाज चलेगा, तब ठीक होगा। हर महीने दवा होता है, हर महीने रिपोर्ट होगा, ठीक है नहीं है, सब प्रोग्रेस लिया जाता है, आपका कितना ठीक हुआ तब जाकर के दवा दिया जाता है। दवा को बीच बीच में बदलनी भी पड़ती है, ठीक है तो लगातार वही दवा चलता भी रहेगा। आपका स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी कितना आपका प्रोग्रेस है, कितना अच्छा है, उसके आधार पर दवा चलता है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है और इसको दवा लेने के बाद तुरंत इलाज भी आप लेना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा लेट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोग तो MDT मिल रहा है फ्री में, तो बस उनको उतना से मतलब है कि फ्री में मिल गया, लेकिन नहीं, इसके बारे में सभी पक्ष को जाननी चाहिए, क्या इस दवा से आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दवा छोड़ने के बाद क्या बीमारी आपको वापस आ जाएगा,
इस सब बातों पर आपको डिस्कस अपने डॉक्टर से करें। भूत की तरह आपको बताने लगेंगे कि इस दवा से कभी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल होता है। तो बहुत सारा इसमें है, बहुत सारा वीडियो में आपको बतानी रहती है, पिछले वीडियो और कई देखिए। तो लेप्रोसी के मरीजों के लिए हमने अपना आजीवन अपना हम श्रम करते रहेंगे, सुबह में से शाम तक रोगी देखते हैं, रात में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो कुष्ठ रोगियों के लिए ये कुष्ठ रोग इतना गंभीर बीमारी है, आप लोगों को कष्ट देखते हुए हमने चैनल शुरू किया और आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, हमारे मेहनत से आप लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, इसमें हमको खुशी होती है। ऐसे हम कुष्ठ रोगी अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं और हमारे पीछे लगे हुए हैं और लगातार चैनल को सपोर्ट करते जाते हैं, इसलिए चैनल ग्रोथ करता है। और बहुत सारा बीमारी है उसका, तो दुनिया में कहीं ना कहीं उपचार लोग करा लेता है, लेकिन इस बीमारी का उपचार कराने में दिक्कत आती है, क्योंकि इस दवा के अतिरिक्त कोई दवा कोई जानता ही नहीं है। अब हम इस दवा के अतिरिक्त जो दवा आपको हम चलाते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लंबे समय तक दवा लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं आता है। और ये तो इसका साइड इफेक्ट शरीर काला होता है, हमारे दवा का से शरीर आपका काला नहीं होता है, और जो पहले से काले हो गए हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर स्मार्ट और गाल जो है गुलाबी लाली लिए हो जाता है और आप बिल्कुल स्मार्ट दिखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही, इलाज के बाद में पूर्ण स्वस्थ होंगे पूरे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।